हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मैं रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, कोई बात नहीं, अभी लेकर आ गई हूँ। आपको छोटी सी बात कहनी थी, चैनल मैसेज नहीं तो मैं ड्रीम मैसेज, ड्रीम चैनल मैसेज बोलूँगी। और यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है ये कि जो आप लोग, ये मत समझिए कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आप जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, बिल्कुल आप लोग प्रोटेक्टेड हैं चारों तरफ से। आपकी ही एनर्जी, आपकी ही जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि मेरे अंदर ये क्या चीज़ चल रहा है, क्या, कौन सी थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है, कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है आपको देखना है। आपके डीएम की अगर मैं बात करूं तो आपके डीएम का रिबर्थ हो रहा है। अगर आप 1 साल, 1.5 साल या 6-7 महीने आपको हो गए इस जर्नी में, तो आपके डीएम का, अगर आप इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, फोकस्ड हैं अपनी जर्नी में, तो बिल्कुल उनके लिए है ये कि आपके डीएम का रिबर्थ हो रहा है। उनको अभी सारी ओल्ड जो बैगेज था उनका रिलीज़ हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। और अभी वो अपनी आंखें खोलेंगे, उनको दुनिया नई तरीके से, नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, आपके कनेक्शन को पहचानेंगे। थोड़ा उनको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। आपको मैंने ये ड्रीम चैनल मैसेज बता दिया है। तो गाइज, ये गुड न्यूज़ है, आपके डीएम का रिबर्थ प्रोसेस में है, ठीक है। और आपको भी थोड़ा सा हार्ट में हैवीनेस हो रही होगी, या फिर ब्लैक बटरफ्लाई अगर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़, वो रिलीज़ हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल प्रोटेक्शन लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉर भी चल रही है गाइस, कहते हैं डार्क और लाइट में, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी में क्या चल रहा है, वॉर चल रही है। तो अपने आप को संभालो, आपको लो करने की कोशिश करेंगे आपके थ्रू, आपके मेम जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके जो कार्मिक बन जाएंगे, सोलमेट हैं वो कार्मिक बन जाएंगे, कार्मिक हैं वो सोलमेट बन जाएंगे, जो अच्छे से नवक कर रहे हैं। और आपको अगर ज़्यादा, अगर आपको परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रिगर मिल रहा है, तो बिल्कुल आप चुप रहिए, रिएक्ट मत कीजिए और अपने पर फोकस रहिए। थोड़ा सा आप अपने यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए, चीज़ों को साइलेंट मोड पे रहिए। ये चीज़ आपको बताने के लिए मुझे डाउनलोड हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पार्टनर की एनर्जी अब देखते हैं। ओके, यू विल गेट थ्रू दिस अट्रैक्शन। बिल्कुल, मैंने कहा ना, रिबर्थ प्रोसेस में है, नए नज़रिए से आपके रिश्ते को, कनेक्शन को देखेंगे। वो आपसे बात करने का मन करता है, फ्लर्ट, यूनियन आ गया, देखिए। बिल्कुल फिजिकल इंटीमेसी उनको फील हो रही है आपके साथ, आपके पुराने पल, बातचीत जो भी आपकी हुई है रिकॉल कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ही, आपके लिए भी परेशान होते हैं वो एक्चुअली, और अपने आप से तो परेशान होते ही हैं, तो सोचो कितना बर्डन है उनके पास। तो आप तो सिर्फ अपने लिए ही परेशान होते हैं, अपने ट्रेन के लिए या अपने पार्टनर के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए भी परेशान होते हैं। लिव योर पैशन, आपके पार्टनर पैशन पर काम कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशनेट हैं एक तरह से, और इसी पैशन के साथ वो चल रहे हैं, इसी मोमेंट में वो हर टाइम रहना चाहते हैं, इसी अट्रैक्शन मोड पे अट्रैक्टेड हैं वो एक तरह से। एक फ्लर्ट करने का मन कर रहा है आपसे, हंसी मजाक करने का मन कर रहा है जैसे वो पहले करते थे आपसे। यूनियन चाहते हैं आपसे, जब आपका यूनियन हुआ था जैसे आपकी बातें होती थी ऐसा ही अब वो फील कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड और लूँगी, इससे ज़्यादा बढ़ के और यूनिवर्स मुझे क्या कार्ड देंगे आप लोगों के लिए। प्रपोजिंग एंड मैरिज, प्रपोजिंग एंड मैरिज गाइस, तो इनको हम जस्टिफाई करते हैं फटाफट। ओके, चलिए, यू विल गेट थ्रू दिस, क्यों आया है आर्कएंजल माइकल, यू विल गेट थ्रू दिस, क्यों आया है यहाँ पर, देखते हैं क्यों आया है। बिल्कुल आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको फिजिकली इंटीमेसी तो है ही, अनकंडीशनल प्यार से भर गए हैं वो आपके लिए, और आपको बिल्कुल वैसे ही पीस में है जैसे आपके साथ वो पीस फील करते थे, आपके साथ रहने में आपके साथ वो प्यार फील करते थे, वो सुकून फील करते थे, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ कि वो चीज़ अब उनके अंदर आ गई है, रिबर्थ प्रोसेस है, नए तरीके से वो सोच रहे हैं। अट्रैक्शन क्यों आया आर्कएंजल माइकल,
बिल्कुल फिजिकल इंटीमेसी मैंने बोला, बिल्कुल आपकी तरफ हैं, वो अट्रैक्टेड हैं, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। अट्रैक्शन क्यों आया आपके माइकल, अट्रैक्शन क्यों आया यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। अट्रैक्शन आपकी तरफ, पूरी तरह से टोटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप एक उनकी एम्प्रेस हो, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप अपनी ग्रोथ में फोकस्ड हो, आप अपने से प्यार करते हो, अपने आप से लव करते हो, अपने आप सेल्फ लव में हो, अपनी रिस्पेक्ट करने लगे हो, तो फिर आपकी तरफ क्यों नहीं आएंगे, वो आपको पसंद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप लव से भर गए हो, लव वाली एनर्जी से भर गए हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, वो इसी की, मेरे को इसी की तलाश थी, और आप वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन यानी एक एम्प्रेस बन चुके हो, और आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट क्यों आया आपके माइकल, फ्लर्ट इसलिए आया है क्योंकि क्योंकि वो आपके ट्विन हैं, और अंदर की जो उनकी इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं जाग रही है, अंदर के जो डर थे वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हैं, वो आपके साथ वैसी ही खुशी बांटना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो उनको समझ में आने लगी है, वो आपको ब्लेम करते थे हर तरह से, आपको बुरा भला कहते थे, बट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आर्कएंजल राफ़ाइल आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं। आर्कएंजल राफ़ाइल थैंक यू बोलिए आर्कएंजल राफ़ाइल को कि आपके रिश्ते को वो हील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की जो भी डर हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, एंड वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये है, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि रात को वो सो भी नहीं पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी में है, बिल्कुल बहुत इजीली वो आपको याद कर रहे हैं, और उनको इतना परेशानी नहीं हो रही है। बट कुछ के जो पार्टनर हैं जिनका अभी 1 साल हुआ है जर्नी में, और अब उनका रिबर्थ प्रोसेस हुआ है, थोड़ी सी आंखें उनकी खुली हैं, और वो अब आपको क्या करना चाह रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन क्या, यूनियन इसलिए आया है कि उनको क्लैरिटी मिल गई है इस कनेक्शन में। जो पहले वो सोचते थे ना कि ये रिश्ता है क्या, फिर सेपरेट हुए आप, उसके बाद उनका रिबर्थ प्रोसेस चला, रिबर्थ यानी नया जन्म हुआ, डेथ यानी कि एक नए सिरे से उन्होंने ज़िंदगी को आंकना शुरू किया, तो अब उनको क्लैरिटी, वो कन्फ्यूजन्स उनके दूर हो गए जो आपको लेके थे, इस कनेक्शन को लेके थे, इस जर्नी को लेके थे। अब वो ये कनेक्शन आपके साथ एक पॉजिटिव वे में फील कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है गाइस, ये जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कि आपको बुरा भला क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा। इसमें पूरी तरह से मैंने क्लैरिटी बोला, सन का कार्ड आ गया, सन एंड मून, यानी कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में गाइस, ये जोड़े में आ गया सन एंड मून, यानी कि मून आप हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, सन आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है, तो सन आपके काउंटर पार्ट है, आपके पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है, ये जो टावर मोमेंट है आपके बीच में से हट रहा है गाइस, ये अभी हटेगा, एंड आपकी तरफ पैशनेट है वो पूरी तरह से, मैंने कंफर्म कर दिया। लिव योर पैशन क्यों आया है आगे ना माइकल, बिल्कुल लिव योर पैशन इसलिए आया है कि आपके पार्टनर आपसे इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से, आपकी तरफ पूरी तरह से पैशनेट हैं, हर तरह से आपके लिए कम, अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी कुछ गेन कर रहे हैं तो वो भी आपका ही सोच के गेन कर रहे हैं, कि अगर बाई चांस मैं उससे मिलूँ या बात करूँ या शादी तक की बात आए तो बिल्कुल मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, क्योंकि वो 3D लाइफ से ऑपरेट करते हैं, उनको नहीं पता कि क्या कनेक्शन है। हमें तो पैसों से कोई लेना देना नहीं होता, होता है क्योंकि है भाई इस दुनिया में है, हमें पैसे चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसे के लिए बिना कुछ नहीं है, है ना, लेकिन आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं हमें, पर इतना इससे हम मोह माया से दूर रहते हैं, बट वो अट्रैक्शन हमारी तरफ होता है, अट्रैक्टेड होती हैं चीज़ें हमारी तरफ, क्योंकि हम एफर्टलेसली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है ना। लेकिन वो ये सोचते हैं कि पैसे के बिना उसको कैसे होगा, उसको सारी खुशियाँ दे दूँ मैं, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए। ठीक है ना, अभी वो आपके लिए इतने प्यार से भरे हुए हैं, समझ रहे हो, तो आपको बहुत प्यार, मतलब कि आपको एक तरह से यहां से यहां लेकर आना चाहते हैं, पलकों पे बैठाना चाहते हैं आपको। ओके, एक नई शुरुआत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से करना चाहते हैं, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ होगा इस, और जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे वो उनका वेट अब पूरा होगा, और वो आपको मैरिज यानी कार्ड आया, आपसे मैरिज करने के लिए चाहते हैं आपसे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है।
हाँ जी, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है? अगर वो मैरिड भी हैं तब भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं वो। एक कार्ड और लूँगी कंफर्म करने के लिए। बिल्कुल, एक हाई प्रेस्टिस यानी कि टेलीपैथिकली आप जुड़े हुए हैं। आप जो उनके बारे में सोचते हैं वही आप अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब मैं शादी के बिना नहीं रह सकता, आपकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी में स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हैं मुझे वो, और बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। और इतनी परेशानियों के बाद भी वो बिल्कुल कुछ के पार्टनर बहुत आपकी तरफ सोच रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। कुछ के पार्टनर जो हैं बिल्कुल तैयारी में हैं और इस कनेक्शन को सोच रहे हैं, जैसे डिवाइन टाइमिंग आएगा और यूनिवर्स न्यू चुटकी बजाएंगे। और ऐसे वो देखिए यूनिवर्स चुटकी बजाएंगे, यूनिवर्स ही आ गया। आपकी साइकिल, एक ऐसी साइकिल कंप्लीट होने वाली है गाइस, आपकी भी और आपके पार्टनर की, कि बिल्कुल आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर भी कौन सी एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। ठीक है, इसे देख लेती हूँ क्या क्या एक्शन लेंगे वो। एनर्जी तो बहुत अच्छी है। कुछ के पार्टनर जो अभी भी नई अवेकनिंग में हैं, शुरुआत में हैं, तो उनके लिए, अगर वो बच्चे मेरे ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जी। हाँ जी, तो ये कार्ड गिर गए थे, ये दिए हैं कार्ड 8 एंड 4 नंबर, यानी फाउंडेशन अचीवमेंट, यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, यहाँ पे 9 ऑफ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। एंड आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अपने कर्मों की माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। ये रात को यही है कि रिग्रेट की एनर्जी में है वो, आपके आपसे फॉरगिवनेस सीख करना चाहते हैं और आपको आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। साक्षी किसको बनाकर? यूनिवर्स को, ईश्वर को, कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप उनकी विश हैं और ये विश वो पूरी करना चाहते हैं। बिल्कुल इमोशनल लॉस, बहुत ही इमोशनल लॉस में है कुछ के पार्टनर, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस उनके सामने हैं अभी, बट वो अभी किस वे में ऑब्स्टिकल्स हैं, ग्रोथ उनकी नहीं हो पा रही है, और जो काम वो करते थे वो काम उनका अच्छे से नहीं हो पाया है। एंड आपसे दूर चले गए, हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर, आपकी बहुत याद आ रही है, बट आपको ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये उनकी लाइफ में अब शुरू होगी, बिल्कुल शुरुआत होगी, ये ग्रोथ होनी ही होनी है गाइज। आपके पार्टनर की लाइफ में कई सारे ग्रुप हो जाते हैं, 2 या 3 ग्रुप हो जाते हैं, सबकी एनर्जी यहाँ पर आती है, जो जैसे देख रहा होता है, ठीक है ना? तो कुछ के पार्टनर ऐसे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो चाहे ऐसे चाहे वैसे आपको मिस करते हैं वो। इनसे देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। फसाड कुछ की लाइफ में मचे हुए हैं गाइस, ट्रिगर आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ओह माय गॉड, कैसे दे रहे हैं एंजल्स! डेस्टिनी में हैं ये फसाड भी, आपको इसीलिए आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, रीयूनियन होने से पहले कुछ ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स आते हैं जिसमें आपको पास होना पड़ता है। वो ही कहीं ना कहीं आपके बचपन के सरफेस हो रहे हैं, या आपके बचपन की बातों को लेके, या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके जो फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, उल्टा सीधा चीज़ों को, मतलब एक तरह से फसाड आपकी लाइफ में मचा हुआ है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा, कंफ्यूजन चारों तरफ, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। बट उससे कोई बात नहीं, ईश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको कुछ नया करने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए है ये, नया करने के लिए। और जो आप जिसके लिए देख रहे हैं वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये रीयूनियन होके रहेगा, डिस्कवरी जो है यूनिवर्स की, इस फुल मून तक आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होगा, गुड न्यूज़ आएगी। बट एक चीज़ और बता दो, लूनर एक्लिप्स है तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसीलिए फसाड मचे हुए हैं, इनसे बचने के लिए आपको साइलेंट मोड में रहना है, मीन्स कि आपको कुछ बकवास करनी ही नहीं किसी के साथ, ठीक है ना? और अपनी नॉलेज लेनी है जो जिसमें ही भी हो, अपने वर्कहॉलिक यानी कि अपने काम में बिजी रहो गाइज, अपने न वर्क करो, अपने जॉब में जाओ, जो कुछ भी आप करते हो उसमें आप फोकस्ड रहो, बिजी रहो, परसेप्शन आपका आगे आगे चेंज होगा, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये गेट आपके लिए खुल रहा है, रिलीज होंगी चीज़ें इस लूनर एक्लिप्स पे भी, काफ़ी हो सकता है आप आइसोलेट हो जाओ, थोड़ा सा अकेला फील करो, बट ऐसा करना होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन पर अगर आप
आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने लिए करना चाहते हैं और आप घर वालों को भी बताना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन आपके घर वाले आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो डोंट वरी गाइस, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपने आप से प्यार करो, पीपल प्लीजिंग छोड़ दो, नहीं सुन रहा है मत सुनने दो। डिस्पोंडेंस, बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल हो रही है ये एनर्जी है गाइस, ठीक है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस बना के लेके आओ, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से, स्टीयरिंग जो है, रिमोट कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले लो, ओवर करो सब चीज़ें ये, ठीक है। जॉय आपकी लाइफ में आ जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एंड अगर आप किसी भी तरीके से बीमार हैं, परेशान रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो ये परेशानियां जो है ना, ये कन्फ्यूज़न दूर होगा आपको, ये परेशानियों से, जो भी परेशानी है, बीमारी है, जो भी इलनेस थी आपकी, है ना, वो दूर होगी कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए है। बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, लोगों ने आपको परेशान कर रखा, यूनिवर्स एंड जिसको भी आप मानते हैं वो आप ही के साथ हैं। डोंट वरी गाइस, साईं बाबा की एडवाइस ले लेती हूँ, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या आप कार्ड देना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग एंड ग्रेस, अपने ग्रेस को मत भूलो गाइस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल, डोंट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, जो तुम्हारे लिए बना है डेफिनेटली वो तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, कुछ भी हो जाए, कहीं के भी कार्मिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिख दी है ना चीज़, चाहे तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे तुम्हारी जॉब हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, वो तुम्हें मिल के रहेगा, बस डट के ये चीज़ गांठ बांध लो कि जो मेरा है सो मेरा है, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ग्रेसफुल रहिए अपनी लाइफ में, जो आप हैं बस ऑथेंटिक सेल्फ को अपना देखिए कि आप क्या हो, है ना। डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल साईं बाबा कह रहे हैं वो होता है, डिवाइन टाइमिंग जब आता है तो चुटकी में आता है, ठीक है। एंड लिव इन द प्रेजेंट, और ये कहना चाह रहे हैं बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ्स, आप एक एनलाइटनमेंट क्यों होता है आपका, कि आप एक लाइट वर्कर हो, आप अपने अंदर वो लाइट का बल्ब ऑन करोगे तभी तो चारों तरफ आपकी लाइट फैलेगी, तभी तो लोग आपको देखेंगे, ये तो लाइट है, और लाइट आप फैलाओगे किस वे में, सोल पर्पस करके दूसरों को इसी लाइट के रास्ते पर लाकर, एनलाइटनमेंट की तरफ को ले जाकर आप उनको बातें बताओगे, जैसे आप मैं बताती हूँ ऐसे आप भी बताओगे ना, तभी तो वो हील होंगे, तभी तो पॉजिटिविटी में आएंगे, तभी तो अर्थ प्लैनेट को एक पॉजिटिव मैनर में हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, ये भी हमारा एक सोल पर्पज़ है। अगर हर टाइम हम 24 घंटे बदतमीज़ी करेंगे किसी के साथ, या टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो हमारी एनर्जी, गंदी एनर्जी कहाँ जा रही है, अर्थ में जा रही है, यानी कि अर्थ प्लैनेट वैसे ही वुंडेड है, हम उसको और वुंड्स दे रहे हैं, है ना, वो वुंड्स ना देके हम अपने आप को हील करेंगे, हम पॉजिटिव एक अच्छी एनर्जी देंगे, तो वो भी हमारा क्या है, एक सोल पर्पज़ है, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट में रहना है, सफरिंग अगर हो रही है तो ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, तो जो ग्रेटेस्ट सोल होती है, जो मास्टर सोल्स होती हैं, उनको तो सफरिंग झेलनी ही पड़ती है, और तभी तो वो इवॉल्व होंगी, तभी तो वो क्या से बनेंगी, साईं बाबा कह रहे तुम मेरे जैसे बनोगे, बी असर्टिव, बिल्कुल दृढ़ बने रहो, है ना, जो काम है, जो चीज़ है, उसके मतलब कि बहुत अच्छा भी बनना बहुत बेकार ही है, ईश्वर ये कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं, इतना मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल तुम अपने को बिल्कुल ही आपकी खाली उतार के दे दो, और बिना शरीर के तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, अपने बारे में भी सोचो, अपनी खुशी के बारे में भी सोचना है आपको, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की और आपकी गाइडेंस, तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।